अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा बेसिक डिफरेंस बिटवीन सी एंड सी प्लस प्लस लैंग्वेज। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि हम MPLAPEX IDE यूज़ करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे थोड़ी स्किल होनी चाहिए। हमें अगर हम सी या सी प्लस प्लस लैंग्वेज यूज़ करते हैं तो हमें इसका पता होना चाहिए कि सी लैंग्वेज क्या है, सी प्लस प्लस क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है। हम पहले कंप्यूटर लैंग्वेज को थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर MPLAB की तरफ जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्या? अ प्रोग्राम लैंग्वेज इज़ अ सेट ऑफ कमांड, इंस्ट्रक्शन एंड अदर सिंटैक्स यूज्ड टू क्रिएट द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक सेट है कमांड्स का, इंस्ट्रक्शन का या दूसरे सिंटैक्स का, जिसकी मदद से हम कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाते हैं। बेसिक जो टाइप्स हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की या कंप्यूटर लैंग्वेज की, वो दो हैं। उसमें हाई लेवल लैंग्वेज है एंड लो लेवल लैंग्वेज है। लो लेवल लैंग्वेज में असम्बली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज है। लो लेवल लैंग्वेज नियर टू हमारी मशीन होती है, मतलब हमारी मशीन लो लेवल लैंग्वेज को आसानी से समझ सकती है। लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज में फोर्टीन है, सी है, सी प्लस प्लस है, पास्कल, जावा, ETC, ये नियर टू ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग है, मतलब इसे हम समझ सकते हैं। हमारे लिए मशीन लैंग्वेज को या असेंबली लैंग्वेज को समझना थोड़ा मुश्किल है। तो ये था प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिकली है क्या, इसकी मेन टाइप्स कौन कौन सी हैं इस बारे में। अभी जो मैं बताऊंगा आपको मेजर डिफरेंसेस क्या हैं सी लैंग्वेज में और सी प्लस प्लस में, फिर हम फर्दर मूव करेंगे कि इसकी और डिफरेंसेस कौन कौन से हैं। मेजर डिफरेंसेस में दोस्तों ये है कि सी एंड सी में क्या है, सी लैंग्वेज इज़ अ प्रोसीजरल लैंग्वेज। ये प्रोसीजरल लैंग्वेज है जो क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स को सपोर्ट नहीं करती। वाइल सी प्लस प्लस इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ प्रोसीजरल लैंग्वेज एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब सी प्लस प्लस में प्रोसीजरल लैंग्वेज भी है और ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी है। मतलब हम कह सकते हैं सी प्लस प्लस इज़ अ हाइब्रिड लैंग्वेज। अभी हम जो बहुत डीपली डिस्कस करेंगे इनके डिफरेंसेस कंपैरिजन करेंगे सी और सी प्लस प्लस का। फर्स्ट ऑफ ऑल, सी लैंग्वेज वास्ट वेल बाय डेनिस आर्ट इन बिटवीन 1969 टू 1978 एट बेल लैब्स। वाइल जो सी प्लस लैंग्वेज है वास्ट वेल बाय बार्ट ने एस इन 1979। ये सी प्लस प्लस एक नया लेवल है सी लैंग्वेज का। मतलब सी प्लस प्लस में अगर हम क्लासेस ऐड करते हैं तो सी में अगर हम क्लासेस ऐड करते हैं तो सी प्लस प्लस लैंग्वेज बन जाएगी। इसका सेकंड कंपैरिजन है व्हेन कंपेयर्ड विद सी प्लस प्लस, सी इज़ अ सेट सबसेट ऑफ सी। मतलब सी जो है एक सबसेट है सी लैंग्वेज का, सी प्लस प्लस लैंग्वेज का। वाइल हम सी प्लस प्लस को देखते हैं तो सी प्लस प्लस इज़ अ सुपर सेट ऑफ सी। मतलब सी प्लस प्लस सुपर सेट है सी का। इससे ये भी वाजह हो जाता है कि सी प्लस प्लस कैन रन मोस्ट ऑफ द कोड ऑफ सी। मतलब सी लैंग्वेज के जो कोड होंगे वो हम सी प्लस प्लस पे उसे रन कर सकते हैं। वाइल इट्स नॉट पॉसिबल कि हम जो हमारा कोड होगा वो सी प्लस प्लस में हो और सी कंपाइलर पे उसे कंपाइल करें, तो वो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, वो इससे एक लेटेस्ट वर्जन है। तो इस वजह से सी लैंग्वेज सपोर्ट प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग फॉर कोड डेवलपमेंट। इसमें प्रोसीजर यूज़ करेंगे सी में हम। थर्ड में अगर हम सी प्लस में प्लस में देखते हैं तो सी प्लस प्लस सपोर्ट्स बोथ प्रोसीजरल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। दैट्स वाई मैंने पहले भी आपको बताया कि सी प्लस प्लस एक हाइब्रिड लैंग्वेज है। नेक्स्ट में हम फोर्थ पॉइंट पे देखते हैं कि सी प्लस प्लस डज नॉट सपोर्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम, देयरफॉर इट हैज़ नो सपोर्ट फॉर पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन एंड इनहेरिटेंस। क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग तो है नहीं। जब मैं बात करता हूँ सी प्लस प्लस की, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है तो वो सपोर्ट करेगी पॉलीमॉर्फिज्म को, इनकैप्सुलेशन को और इनहेरिटेंस को।
ये हमारा था फोर्थ पॉइंट. अगर अभी हम मैं फिफ्थ की तरफ जाता हूँ तो इन सी लैंग्वेज. अभी मैं फोर्थ फिफ्थ पॉइंट की तरफ जाता हूँ तो इन सी, बिकॉज इट्स अ प्रोसीजरल लैंग्वेज. आपने जहन में रखना है कि सी एक प्रोसीजरल लैंग्वेज है. तो प्रोसीजरल लैंग्वेज होने की वजह से डाटा और फंक्शन आर सेपरेट एंड फ्री आइडेंटिटीज. डाटा और फंक्शन सेपरेट होंगे, बट इन सी प्लस प्लस फिफ्थ पॉइंट में कंपैरिजन के पांचवें पॉइंट में हम सी प्लस प्लस इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. डाटा एंड फंक्शंस आर इनकैप्सुलेटेड टुगेदर इन फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है. फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट क्लासेस प्रोवाइड अ ब्लूप्रिंट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑब्जेक्ट. अभी कंपैरिजन नंबर सिक्स पे आते हैं. एन सी डाटा आर फ्री आइडेंटिटीज एंड कैन बी मैनिपुलेटेड बाय आउटसाइड कोड. मतलब डाटा को कोड की आउटसाइड रखेंगे, बिकॉज दिस इज बिकॉज दिस कोड डज नॉट सपोर्ट इंफॉर्मेशन हाइडिंग. ये भी कंपैरिजन में है कि सी लैंग्वेज का जो कोड है वो इंफॉर्मेशन को हाइड नहीं करते हैं. बट इन सी सिक्स में, सिक्स कंपैरिजन में, इन सी इनकैप्सुलेशन हाइड द डाटा टू इंश्योर दैट द डाटा स्ट्रक्चर एंड ऑपरेटर आर यूज एट इंटेंटेड. मतलब ये हाइड कर सकता है, सी प्लस प्लस हाइड कर सकता है इनकैप्सुलेशन की सूरत में. कंपैरिजन नंबर सेवन, सी बीइंग अ प्रोसीजर लैंग्वेज, इट इज़ अ फंक्शन ड्रिवन लैंग्वेज. इट्स अ फंक्शन ड्रिवन लैंग्वेज. कीप इन माइंड सी इज़ अ फंक्शन ड्रिवन, वाइल सी प्लस प्लस बीइंग अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट इज़ एन ऑब्जेक्ट ड्रिवन लैंग्वेज, नॉट अ फंक्शन ड्रिवन. मतलब इसमें फंक्शन ड्रिवन भी है लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, तो ऑब्जेक्ट ड्रिवन लैंग्वेज है. सी डज नॉट सपोर्ट फंक्शन एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग. सी जो है फंक्शन की, फंक्शन और ऑपरेटर की ओवरलोडिंग सपोर्ट नहीं करता है. बट सी प्लस प्लस सपोर्ट बोथ फंक्शन एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग. कंपेरिजन नंबर नाइन, सी डज नॉट अलाउस फंक्शन टू बी डिफाइन इन साइड स्ट्रक्चर. बट इन सी प्लस प्लस फंक्शन कैन बी यूज इन साइड अ स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर के अंदर हम फंक्शन को भी यूज कर सकते हैं इन सी प्लस प्लस. पॉइंट नंबर टेन, सी डज नॉट हैव नेम स्पेस फीचर. इसमें नेम स्पेस फीचर नहीं होता. मतलब एक वेरिएबल को हमने डिक्लेयर कर लिया है. अगर जैसे कि आप हम किसी को निक नेम से भी कॉल कर सकते हैं जस्ट फॉर एग्जांपल, तो सी प्लस प्लस में वैसा नहीं होगा. लेकिन सी में वैसा नहीं होगा. सी प्लस प्लस यूज़ नेम स्पेस विच अवॉइड नेम कोलिजन. नेम कोलिजन को अवॉइड करने के लिए नेम स्पेस यूज़ करती है सी प्लस प्लस. नेक्स्ट केस हम देखते हैं दोस्तों. केस नंबर 11, सी यूज फंक्शन फॉर इनपुट एंड आउटपुट. फॉर एग्जांपल स्कैन एफ प्रिंट एफ. स्कैन एफ फॉर इनपुट, स्कैन प्रिंट एफ फॉर आउटपुट. बट सी प्लस प्लस यूज ऑब्जेक्ट फॉर प्रिंट फॉर इनपुट एंड आउटपुट. सी प्लस प्लस में हम ऑब्जेक्ट यूज करेंगे इनपुट और आउटपुट के लिए. फॉर एग्जांपल सी इन एंड सी ओ. सी डज नॉट. पॉइंट नंबर 12, सी डज नॉट सपोर्ट रेफरेंस वेरिएबल. सी लैंग्वेज रेफरेंस वेरिएबल को सपोर्ट नहीं करती है. सी प्लस प्लस लैंग्वेज सपोर्ट्स रेफरेंस वेरिएबल. अभी पॉइंट नंबर 13, सी हैज नो सपोर्ट फॉर वर्चुअल एंड फ्रेंड फंक्शन. अब कभी कभी हम वर्चुअल फंक्शन डिक्लेयर करते हैं तो सी प्लस प्लस में वो उसको सपोर्ट नहीं करती है. डिक्लेयर कर लिया है. अगर जैसे कि आप हम किसी को निक नेम से भी कॉल कर सकते हैं जस्ट फॉर एग्जांपल, तो सी प्लस प्लस में वैसा नहीं होगा. लेकिन सी में वैसा नहीं होगा. सी प्लस प्लस यूज़ नेम स्पेस विच अवॉइड नेम कोलिजन. नेम कोलिजन को अवॉइड करने के लिए नेम स्पेस यूज़ करती है सी प्लस प्लस. नेक्स्ट केस हम देखते हैं दोस्तों. केस नंबर 11, सी यूज फंक्शन फॉर इनपुट एंड आउटपुट. फॉर एग्जांपल स्कैन एफ प्रिंट एफ. स्कैन एफ फॉर इनपुट, स्कैन प्रिंट एफ फॉर आउटपुट. बट सी प्लस प्लस यूज ऑब्जेक्ट फॉर प्रिंट
फॉर इनपुट एंड आउटपुट। सी प्लस प्लस में हम ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे इनपुट और आउटपुट के लिए, फॉर एग्जाम्पल सी इन एंड सी ओ। सी डज नॉट, पॉइंट नंबर 12, सी डज नॉट सपोर्ट रेफरेंस वेरिएबल। सी लैंग्वेज रेफरेंस वेरिएबल को सपोर्ट नहीं करती है। सी प्लस प्लस लैंग्वेज सपोर्ट्स रेफरेंस वेरिएबल। अभी पॉइंट नंबर 13, सी हैज नो सपोर्ट फॉर वर्चुअल एंड फ्रेंड फंक्शन। अब कभी कभी हम वर्चुअल फंक्शन डिक्लेयर करते हैं तो सी प्लस प्लस में वो उसको सपोर्ट नहीं करती है वर्चुअल फंक्शंस को एंड फ्रेंड फंक्शंस को। सी प्लस प्लस सपोर्ट्स वर्चुअल सपोर्ट्स एंड फ्रेंड फंक्शन, लेकिन सी प्लस प्लस में वर्चुअल सपोर्ट भी है और फ्रेंड फंक्शंस को भी सपोर्ट्स करती है। पॉइंट नंबर 14, अगर हमने मेमोरी एलोकेशन करनी है सी में, सी प्रोवाइड मेमोरी एलोकेशन एंड कैंसल एलोकेशन फंक्शन फॉर डायनामिक मेमोरी एंड फ्री फॉर मेमोरी डी एलोकेशन। वो इस तरह का फंक्शन यूज़ करेंगे जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, ये बिल्कुल ये मेमोरी एलोकेशन का, कैंसल एलोकेशन का। लेकिन सी प्लस प्लस प्रोवाइड न्यू ऑपरेटर फॉर मेमोरी एलोकेशन एंड डिलीट ऑपरेटर फॉर मेमोरी डी एलोकेशन। ये सी प्लस प्लस न्यू ऑपरेटर प्रोवाइड करेगी मेमोरी एलोकेशन के लिए या डी एलोकेशन के लिए। पॉइंट नंबर नेक्स्ट हमारा है पॉइंट नंबर 15, सी डज नॉट प्रोवाइड डायरेक्ट सपोर्ट फॉर एंड एरर हैंडलिंग। इसके प्रोसीजर में जो एरर आएगा ये एरर को डिटेक्ट